प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 14 अगस्त को युवक धीरज पांडे की हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त डॉक्टर प्रभाकर वर्धन राज उर्फ नीटू राज को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रानीडीहा स्थित एक निजी स्कूल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, सरकार के कल्याणकारी योजनाएं सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ट्रैफिक पुलिस व सिविल पुलिस ने एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन से महानगर में निकाला पैदल तिरंगा यात्रा। कहा, देश को आजाद कराने वाले वीर अमर शहीदों को किया गया याद। एक संगठन के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्टॉल लगाए जाने पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस के सिंह ने छात्रों को समझा बुझाकर कराया शांत। कहा, कल से गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नहीं लगेगा कोई स्टॉल। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का मंडलीय महापड़ाव सकसल हुआ सम्पन्न। 12 सितम्बर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने पर हुई चर्चा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महिला पुलिस एवं पीएससी के बच्चों द्वारा गोरक्षनाथ मंदिर से मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले महिला पुलिस एवं बच्चों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित।